उत्तर विभाग साइबर पुलिस स्टेशन में कार्यरत साइबर एक्सपर्ट सचिन सावंत को समाज सेवक मुकेश मेहता ने आज स्वागत किया। न सिर्फ मुकेश मेहता बल्कि अमेरिका में बैठे समाज सेवक या कपोल समाज से जुड़े हितेन भाई भूता ने भी उन्हें बधाई संदेश भेजा है। दरअसल लगभग 25 वर्षों से मुंबई पुलिस की सेवा में कार्यरत सचिन सावंत को मुंबई के डीजी ने सम्मानित किया है, जिसके उपलक्ष में समाज सेवक मुकेश मेहता ने भी उनका सम्मान किया। इस दौरान मुकेश मेहता का भी मुंबई साइबर सेल हमेशा से स्वागत करती रही है। ऐसे में एक बार फिर से मुकेश मेहता का उत्तर मुंबई साइबर विभाग ने उनका स्वागत किया है। क्या कुछ कहती है तस्वीरें देखिए। सचिन सावंत साहब नॉर्थ रीजन में कल डीजी साहब ने उनको अवार्ड दिया है, जो 25 साल में लोगों को साइबर के बारे में जो अवेयरनेस किया है, तो उनके बारे में 25 साल में अच्छा एक अवार्ड दिया है मुंबई पुलिस को। तो मैं मेरी टीम महाशिवानी रंगमन की टीम की तरफ से सचिन सावंत साहब का एक आभारी हूँ कि उन्होंने साइबर अवेयरनेस के बारे में एक जागृति लाई है। तो नॉर्थ रीजन में सचिन सावंत साहब को मैं उनको अभिनंदन देता हूँ, और सीनियर साहब विजय चंदन सिवे साहब को, पूरी टीम को नॉर्थ रीजन में अभिनंदन करता हूँ। फिजिकल अपराध धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है, लेकिन साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ मुंबई का यह पहला साइबर पुलिस स्टेशन है जहां पर अब तक करीब सैकड़ों लोगों को न्याय मिला है। सैकड़ों लोगों की जो खाते में पैसे चले गए थे उन्हें वापस लाया गया है। ऐसे में नॉर्थ साइबर का नाम मुंबई में बेहद अच्छा है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरह से उद्घाटन किया गया, उसके बाद से लगातार साइबर के तमाम अधिकारी यहाँ जान लगाकर और एक निष्ठा से लगातार काम करते हैं। उसी निष्ठा के साथ सचिन सावंत जी है जिन्होंने 25 सालों से अपना मुंबई पुलिस को अच्छा योगदान दिया है, लिहाजा मुंबई की डीजी ने उन्हें एक पदक से सम्मानित किया है। उसका बहुत जल्द सर्टिफिकेट आ जाएगा। लेकिन इसी उपलक्ष में समाज सेवक और पुलिस मित्र मुकेश मेहता जी ने आज सचिन भाई का को सम्मानित किया है। इसके पीछे की मंशा यह है कि जिस तरह से सचिन सावंत जी साइबर अपराध को लेकर बारीकियों से जानकारी रखते हैं, बारीकियों से अपराधी तक पहुंचते हैं, बारीकियों से साइबर अपराध के मॉडल्स को जानते हैं, वो सचिन सावंत की एक खूबी है, एक उनकी कला है। इसी कला से प्रेरित होकर मुंबई पुलिस उन्हें साधुवाद देती है, धन्यवाद देती है। अब एक समाज सेवक के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सचिन सावंत जी का सम्मान करें। ऐसा मनसा है मुकेश भाई मेहता का। मुकेश भाई मेहता ने आज सचिन भाई सावंत को साल श्रीफल देकर और पुष्पगुच्छ देकर उनको सम्मानित किया है, और यह कामना करते हैं कि जिस तरह से मुकेश मेहता जी ने 100 साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम का संकल्प लिया है, उसमें सचिन सावंत जी की भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि उनके साथ नॉर्थ रीजन में जो तमाम साइबर अधिकारी हों, चाहे सीनियर साहब यहाँ के हों या फिर मंगेश देसाई जी हों, लगातार ऐसी कोशिश रहती है कि यहाँ पर आने वाला हर शिकायतकर्ता को पूरी तरह से संतुष्टि मिले, उसके निवारण हो जाए। इसके लिए साइबर जो क्राइम पुलिस है लगातार काम करती है। 24 घंटे आप यहाँ सेवा ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी मिलती हो तो आप यहाँ आइए, आपको अच्छी से अच्छी सेवा मिलेगी। लेकिन जिस तरह से नॉर्थ रीजन साइबर का नाम है, वो अपने आप में सच में एक काबिले तारीफ है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि काफी बार करोड़ों रुपए जो है लोगों के खाते से वापस मंगाने का काम अगर किसी ने किया है तो साइबर पुलिस ने किया है, जिसमें नॉर्थ साइबर का बेहद अच्छा नाम है। आज हमको मौका दिया नॉर्थ रीजन साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं उनको एक अभिनंदन देता हूँ, और हमारे हितेन भाई भूता उनकी टीम की तरफ से सावंत साहब आशीष भाई आए, तो उन्होंने भी बोला है कि आप साइबर का कोई भी काम रहेगा तो मैं आपको अमेरिका से पूरा सहयोग देने को तैयार हूँ। और उनका हमारा समाज कपोल समाज में हितेन भाई भूता जो एक सम्मानीय व्यक्ति है, और उन्होंने बोला है कभी भी साइबर का रेवे कुछ भी रेवे, तो मैं हितेन भाई भूता का एक आभारी हूँ, उन्होंने आज मेरे को एक साइबर अवेयरनेस का मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। भारत जय।